फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हरविंद पाल व्लॉग्स में। आज तैयारी है, फिर एक दावत है छोटी सी। वैसे तो दावत एक और भी होनी, दावत पता नहीं कब को होगी। कौन सी वाला? आप लोगों का प्यार है इतना सारा कि 50,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने जो करवाए हैं उनके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पार्टी भी होगी, लेकिन आज फिलहाल एक पार्टी में जाना है हम लोगों को, और साथ में हम दो ही लोग यहाँ से अपने रूम से, तो हम और अरुण मार्शल दो लोग निकलेंगे साथ में। लड़के बराबर वाले रूम में जो पढ़ने वाले लड़के रहते हैं ये भी हैं। और पार्टी क्या है? तिलक समारोह है। तिलक होता है हमारे उधर तो, क्या सगाई टेवा वगैरह होते हैं, इधर शादी से पहले तिलक समारोह होता है। तो तिलक समारोह में हम लोग जा रहे हैं। है किसका? हमारे रूम के जो बगल वाला रूम है उसमें पढ़ने वाले लड़के रहते हैं, ऊपर भी पढ़ने वाले लड़के रहते हैं। ऊपर एक पढ़ने वाला लड़का रहता है कपिल, और दो भाई बहन रहते हैं ऊपर जो पढ़ाई करते हैं। कपिल का आज तिलक है, तो उसी के तिलक में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से शहर से लगभग कितना कितने किलोमीटर होगा? 20 किलोमीटर लगभग यहाँ से उनका गांव है। 20 किलोमीटर जाना, स्कूल से आगे हम लोग क्या करें, मच्छरदानी लगा कर लट गए थे दोनों। गुरु जी अरुण वार साहब भी, इनकी मच्छरदानी आए, हमारे वाले आए, मच्छर लगे नींद में भी परेशान करें, आराम नहीं कर देते। जरा सा लेट हो, थोड़ी सी देर एक मच्छर काट लें, फिर काफ़ी देर तक खुजाते रहो, मज़ा नहीं आता। तो मच्छरदानी लगा ली, क्योंकि ऑल आउट वगैरह लगा हुआ, थोड़ा सा परेशानी हुआ है उससे भी। तो मच्छरदानी लगा कर दिन में भी सो रहे थे। आज तो हम स्कूल मत आते ही, खाने का कुछ फिक्र नहीं था, सब्जी वब्जी लाए नहीं, तो अब जाना दावत में, थोड़ा सा आराम कर लिया। और तैयारी क्या क्या है हमारी? हाँ जी, बाइक की क्या कंडीशन है गुरु जी? बाइक में लाइट नहीं भाई। गुरु जी कह रहे हैं बाइक में हेडलाइट नहीं है, क्योंकि सुबह चलते हैं स्कूल में, 9 बजे का स्कूल है, दिन निकल जाता है, सूरज निकला जाता है, और 3-4 बजे तक आ जाते हैं, तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब कभी बाजार जाना पड़े, रात रात में कहीं जाना पड़े, तब वो परेशानी होती है। तो आज बाइक में भी हेडलाइट नहीं है, ये पता चला। बाइक चेंज करनी पड़ेगी, चलो कुछ जुगाड़ लगाऊंगे उसका भी, किसी से चेंज कर लेते हैं। हाँ, दीपक या कुलदीप आओगे काम, उनकी बाइक ले लेते हैं। और क्या तैयारी है? तैयारी कुछ नहीं है भाई, कपड़े वही जो रोज़ के पहनने के हैं, जिन्हें पहन के स्कूल में जाए वही पहन के जाना पड़ेगा तिलक में भी। और जूते भी क्या बताऊँ, 2 साल पुराने हैं जूते, तो कहते होंगे पता नहीं कैसा मालिक फंस गया, इस बार तो पूरा घस के डाल दिया, छोड़ नहीं रहा पीछा जूते लेने का। एक तो टाइम नहीं मिल रहा, कल संडे में मैच खेला था तो मार्केट नहीं जा पाए, वो सोच रहा जूता खरीद लूँ। की चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक तो टाइम नहीं मिल पा रहा, और दूसरा खर्चे वर्चे से बहुत चल रहे थे। दिवाली थी इस महीने में, दिवाली भैया दो गोवर्धन, खर्चे तो वैसे भी बहुत हुए। हालांकि सब चीज़ें चलती रहे, साथ साथ एडजस्ट करेंगे, इसे भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। एक तो ज़रूरत की चीज़ बाइक भी है, बाइक तो मुझे स्कूल जाने के लिए भी लेनी पड़ेगी, लेकिन छोटी छोटी कर लो पहले, पूरी कपड़े लेते जूते ये तो बेसिकली हैं। हालांकि जिस पर कपड़े नहीं होते ना, वो भी शादी में कहीं फंक्शन में जाने के लिए अपने 8-10 जोड़ों का छांट के पहन करे, वैसे तो कहेगा कपड़े नहीं है, और कपड़े टंग रहे तो बहुत सारे। अब देखो इनमें से कौन सा पहरा जावे, तैयार हो लूँ जरा, तब देखेंगे। तो कपड़े भी सिलेक्ट हो गए पहनने के, ये वाली शर्ट है वूलन की है, मोटी शर्ट है, रात में थोड़ी ठंड भी लगेगी ना, ड्राइविंग करेंगे बाइक से जाएंगे। ये वाली शर्ट है, इसके ऊपर ये स्वेटर रहेगा, और जींस अपनी यह है, ऐसी जींस तो चल रहा है। एक और जींस रखी वैसे तो बैग में, लेकिन क्या वो वाली नहीं निकालता, चलो उसे तो रहने दो, एक पहन रखी है यही रख लूँ, क्योंकि फिर धोनी भी तो अपने आप ही पड़े हैं। जींस तो देखूँ भाई और भी है, हाँ ये रखी, तो एक और जींस है देखूँ, एक काट लूँ कौन सी ठीक लगेगी, इसे तो आज स्कूल में पहन गया था। ये भी ऐसी वो भी ऐसी, जींस का क्या, जींस तो भाई जैसी दिख रही ऐसी ही दिख रही, चलो वो पहन रखी उसे रखूँगा, एक दो दिन और स्कूल में पहनूंगा, जब छुट्टी आओगी तब धोई जाएगी, वह धोई हुई को ऐसे रहने दो। पैंट पहन ली तो शर्ट पहन लूँ, और हाँ एक चीज़ हो रहा है, देखो गर्दन पर ना जो मस्से हो रहे थे, दवाई लगाई थी मैंने, पहले तो काले काले से निशान हो गए थे, लेकिन अब तो स्किन उतर गई उस पर से सूख के, मस्से भी चले गए और थोड़ा निशान से रह गए, निशान भी चले जाएंगे शायद, है बढ़िया होगा बहुत। एक मस्सा तो यहाँ था बिल्कुल आँख के पास में, वो भी टूट गया। गर्दन पर तो दोनों ही तरफ हो गए थे, इधर भी देखो जो निशान हो रहे ठीक हो जाएंगे, अभी इस तरफ भी हो गए थे, एक दो दिन काले काले से निशान रहे, अब तो ऐसे रह गए, ये स्किन नहीं आवेगी, तो शायद है सब एक जैसी स्किन हो जाएगी, फिर दिखाई नहीं देंगे कहाँ के थे, मस्सों का तो रोग कट गया। ये होगी पैंट शर्ट, वही जो है अपना स्वेटर, ठंड तो नहीं लगेगी इसमें, वैसे तो है, मोटी है, बाइक चलाओगे ठंड लगेगी, पीछे बैठ लूंगा, आप चलाओगे मैं पीछे बैठ लूंगा।
ऐसे करके ही टोपा जरूर ले आए, वहाँ जाकर अपनी जेब में कर लेंगे, ठंड से तो बची जाएंगे कम से कम। ठीक लग रहा क्या? बढ़िया, ओके गुड। शादी में कोई तो नहीं जाएगा कैसे, कपड़े पहन के आ गया? ना ना ना, सही दिखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, काम चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तो शादी है। मानवेंद्र भी आ गए भाई, मानवेंद्र कह रहे थे कैसी लग रही है टी शर्ट, बढ़िया लग रहा है, लड़का है जैसे नया, हम तो पुराने आदमी हो लिए अब, ठीक लग रहे हैं। शादी में बढ़िया लग रही मानवेंद्र की टी शर्ट भी, हमने तो ये वाले पहरे, पता नहीं कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रही। कोई जैकेट वैकेट डालोगे इस पर? कुछ नहीं डालोगे, ठंड तो लगेगी बाइक पर, ठंड लगे कभी जाएंगे बैठ के उसमें, कार में जाएंगे जी सर। अरे वाह, मजा आ गया, फिर तो ठंड नहीं लगेगी, फिर तो मैं पहनना जैकेट पे यही रहना। तो गुरुजी आप रेडी हो? हम देखा है बाइक बढ़िया लाइट वाली, इसमें हमारे वाली में तो लाइट ही नहीं है। चलो दीपक को फोन करा, अब रास्ते में मिलेगा, हम बाइक चेंज कर लूँगा मैं उससे। कुलदीप की बाइक लेकर दीपक भाई आया, मेरी बाइक मन थी, यह चलेगी, बढ़िया काम करेगी, हेडलाइट बढ़िया है इसकी, हमारे वाली की हेडलाइट बढ़िया नहीं है इसकी, हमारी बड़ी रात का सफ़र है तो लाइट तो चल रही है। तो निकल रहा मैं और कुमार साहब, निकल गया ठीक है बाय। थोड़ा सा भरवा लूँ पेट्रोल, इसमें पेट्रोल पंप आ गया, थोड़ा सा पेट्रोल लगाऊंगा बाइक में, क्योंकि किसी ने अगर बाइक ही उधार दे दी तो हमें उसका पेट्रोल नहीं खर्च करना चाहिए, कम से कम पेट्रोल तो अपना ही खर्च करना चाहिए। तो कुछ थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लूँ, और वहाँ आप लोग देख रहे हैं साबुत गन्ना, अगोला से गन्ना बिक रहे, क्योंकि आज है देवोत्थान एकादशी। हमारे उधर तो गोवर्धन पूजा पे गन्ने की पूजा होती है, लेकिन इधर देवोत्थान एकादशी पे गन्ने की पूजा होती है, साबुत गन्ना अगोला सहित बिक रहा है। मैंने भी कई लोगों को देखा, जब पता करा भाई साहब गोला किस लिए ले जा रहे, गोले सहित गन्ना किस लिए ले जा रहे, तो इन्होंने बताया कि देवोत्थान एकादशी पर गन्ने की पूजा होती है अगोला सहित, इसलिए खरीदा जा रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं पेट्रोल पम्प की तरफ, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लूँ इसमें। आप 100 रुपये का कर दियो, 100 रुपये का। वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाओ होता है हमारी दिल में जी, हम और भी कहीं उनकी फेमस। अच्छा अच्छा, उनकी नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम है सर, 99 चल रहा, ठीक, वो तो 95 हो गया ना दूसरे वाला, तो ठीक है भाई, चलो ये तो फिर 900 होना, इतना भी कम कर लो। एक बार एड्रेस तो पढ़ के देख लो, रास्ता पूछना पड़ेगा अरुण भाई, कार्ड पे एड्रेस पढ़ लो एक बार। संजय उपाध्याय, ग्राम दतौली, पोस्ट खपुरवा, जिला बहराइच। ग्राम दतौली जाना है, कहाँ? फकरपुर से जा जाएगा ना, ग्राम दतौली याद कर लो, कि फ़ोटो खींच लो इसकी, चलो फ़ोटो खींच लेते हैं। लड़के तो यार बाद में चलेंगे, गाड़ी कह रहे किसी लड़के के पास कार है तो कार से आऊँगे, हमें बाइक से चलना, हम तो निकल रहे अपने। और यह है हमारी बाइक जिसमें लाइट नहीं थी, हेडलाइट, इसे तो छोड़ दें यहीं, ये दिन का साथी है, सफ़र का साथी, दिन के सफ़र का साथी, और रात के सफ़र का साथी यो खड़ा, इधर वाला लेंगे हम। चलो गुरु जी चलाएँगे या हम चलाएँ? अच्छा उधर से आप चलाएँगे तो इधर से हम चलाएँ, चल ठीक है भाई, इधर से हम चला लेते हैं, इसलिए ले लिया, हवा से बच जाएंगे, कुछ ठंड लगने से बच जाएंगे भाई। थोड़ी सी दूर निकले थे हम दोनों लोग, ठंडी सी लगी थी, तो गुरु जी ने कहा टोपा की तो ज़रूरत पड़ेगी भाई, ठंडी हवा लग रही, तो टोपा लेने आ गए, और मैंने हेलमेट भी ले लिया, क्योंकि बिना हेलमेट के ड्राइव थोड़ा अनसेफ सा लगा मुझे, और आदत सी पड़ रही, दिन में हेलमेट लगा के जाऊँ ना, तो अब बिना हेलमेट के अगर चला मैं बाइक तो ऐसा लगा सर खाली खाली सा है, कुछ अधूरा सा है। हेलमेट भी ले लिया, रात भले ही है ड्राइविंग करेंगे हेलमेट लगा के। रात का सफ़र था, काफ़ी दूर पड़ा, लेकिन फिर भी पूछते हुए चले आए, हम यहाँ पहुँच गए। ऐसा है गुरु जी, यहाँ तो 6-7 रास्ते हैं अंदर आने के, एक रास्ते से हम यहाँ आए, एक बार उधर से आ गए थे, तो एक तरफ नाश्ता चल रहा खाना, दूसरी तरफ चल रहा खाने वाले पंडाल में जाएंगे, बिल्कुल गली गली से मकोते हुए जा रहे हैं जैसे भूल भुलैया हो। चलते चलते इधर से आए थे, कितना लंबा रास्ता है, बहुत खराब हो गया, अभी तो गली बहुत दूर है, कितना लंबा है, नंबर टेंट लगा रखा है गली गली में, पूरे गांव में टेंट लग रहा है क्या, सारी गलियों में। और खाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका था हमारे पहुंचने से पहले ही, हम भी जाते हुए सीधे पंडाल में ही पहुंचे, हमने कहा पहले खाना ही ले लें उसके बाद मिलेंगे, जिनकी शादी में आए मेज़बानों से भी बाद में मिलना है। गांव
गांव के किनारे पे ही है, खेत शुरू हो गए इधर, तो खेत है इधर और खेतों के आसपास ही है, गांव दौरे में ही है खेतों के। चलो महिलाओं का बना दू संगीत है, पहले संगीत का ना बनाऊ। और ये हमारे मित्र हैं कपिल, जिनके तिलक समारोह में हम लोग आज आए हैं। रात का सफ़र है भाई, और गांव में जाना था, पूरा जंगल का रास्ता है, बड़ा एडवेंचर है, डर सा भी लग रहा था। हालांकि क्राइम नहीं है इधर, चलने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, डर उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जंगल से जा रहे हो और अंधेरा हो तो डर सा तो लगता ही है। आ गए हम लोग, कितने बजे? 10 बजे रात के, 10 बजे हम लोग वापस आ गए। फ्रेंड बस ये था आज का, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।